हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडमिट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक से लेसन नंबर 5 ट्रैफिक रूल्स के कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपकी सेट परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डू यू डू बिफोर क्रॉसिंग द रोड? रोड क्रॉस करने से पहले आप क्या करते हैं? सी इन फ्रंट, सामने देखते हैं। सी लेफ्ट, लेफ्ट साइड देखते हैं यानी बाईं ओर। सी राइट, दाईं ओर देखते हैं। या सी ऑल साइड्स, सभी दिशाओं में देखते हैं। बच्चों, इसका सही उत्तर है डी, सी ऑल साइड्स। हमें दाहिने बाईने सामने सभी तरफ देखना चाहिए और उसके बाद ही रोड क्रॉस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डू यू डू व्हेन यू गो आउटसाइड ऑन ए रोड? जब आप बाहर रोड पर जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? लुक अराउंड, लुक ट्रैफिक साइन, लुक बिहाइंड, सी ऑल साइड्स। एंड द राइट आंसर इज बी, लुक ट्रैफिक साइन। जो भी ट्रैफिक साइन है उसे देखना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू यू यूज व्हेन क्रॉसिंग द रोड? रोड क्रॉस करते टाइम आपको क्या यूज करना चाहिए? कैट क्रॉसिंग, डॉग क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग और फुटपाथ। बच्चों, रोड क्रॉस करते टाइम हमें यूज करना चाहिए जेब्रा क्रॉसिंग। सो द राइट आंसर इज सी, जेब्रा क्रॉसिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द कलर ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग? जेब्रा क्रॉसिंग का कलर क्या होता है? ब्लैक एंड वाइट, ब्लू एंड वाइट, ब्राउन एंड वाइट और मैरून एंड वाइट। एंड द राइट आंसर इज ए, ब्लैक एंड वाइट। सफेद और काले रंग की पट्टियां होती हैं, उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी कलर्स हैव ए ट्रैफिक लाइट? ट्रैफिक लाइट के कितने रंग होते हैं? 2, 4, 3, 5। एंड द राइट आंसर इज सी पार्ट, 3। तीन रंग होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड कलर रेफर्स टू? रेड कलर हमें क्या इंडिकेट करता है, क्या दिखाता है? स्टार्ट, मूव फास्ट, स्लो और स्टॉप। एंड द राइट आंसर इज डी, स्टॉप, यानी रुकना। जब भी लाल रंग की बत्ती हो तो हमें रुकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। What will you do when traffic light turns yellow? ट्रैफिक लाइट जब येलो हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? Ready to move, ready to stop, ready to start और ready to walk। बच्चों, हमें ready रहना चाहिए रुकने के लिए, तो ready to stop। Question number 8। What will you do when light turns green on road? जब लाइट जो है वो ग्रीन हो जाए तो क्या करना चाहिए? यू कैन गो, यू कैन रेडी, यू कैन स्लो और यू कैन स्टॉप। एंड द राइट आंसर इज यू कैन गो, आप जा सकते हैं। आइए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डू यू मीन बाय फस? फस का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है? कंप्लेंट, ओबे, सेफ और साइन। एंड द राइट आंसर इज ए, कंप्लेंट। फर्स्ट यानी कंप्लेंट। क्वेश्चन नंबर 10। हाउ विल यू रीच होम आफ्टर ओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स? ट्रैफिक रूल्स को ओबे करने के बाद आप घर कैसे पहुंचेंगे, किस तरह से? फास्टली, स्लोली, सेफली और स्टेडली। एंड द राइट आंसर इज सेफली, यानी सुरक्षित। अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द कलर ऑफ रोड? रोड का कलर कैसा होता है? ब्राउन, ब्लैक, ब्लू और पर्पल। एंड द राइट आंसर इज बी, ब्लैक। ब्लैक कलर के होते हैं रोड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट डू वी लुक एट व्हेन यू गो आउटसाइड ऑन रोड? जब हम बाहर रोड पर निकलते हैं तो हम क्या देखते हैं, किसको? स्पेस,
ट्रैफिक साइन, न्यू कार्स और न्यू ड्रेस। हमें ट्रैफिक साइंस को देखना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए। सो द राइट आंसर इज बी, ट्रैफिक साइन। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ इज योर लाइफ, आपकी लाइफ कैसी है? चीप, बेस्ट, प्रेशियस और पुअर। एंड इट्स राइट आंसर इज सी, प्रेशियस, यानी कीमती। आपकी लाइफ कीमती है तो आपको सेफली रोड क्रॉस करना चाहिए, ट्रैफिक साइंस जो भी हैं वो सारे फॉलो करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर वेटिंग एट रेड ट्रैफिक लाइट, स्कूटर, कार, डॉग्स, कैट्स, मैन, वुमेन, बुल कार्ट, रिक्शा। एंड द राइट आंसर इज स्कूटर एंड कार्स। रेड लाइट पर क्या वेट करते हैं? स्कूटर एंड कार्स, या जो भी ट्रैफिक हो वो। क्वेश्चन नंबर 15, यूज प्रॉपर वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, चिल्ड्रन डैश क्रॉसिंग द रोड इज, आर, एम, वॉज। एंड द राइट आंसर इज बी, आर, ए आर ई आर, चिल्ड्रन आर क्रॉसिंग द रोड। वाई वी हैव यूज दिस आर, क्योंकि एक बच्चा क्रॉस नहीं कर रहा, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि यहां चिल्ड्रन था। अगर एक बच्चा होता तो यहां चाइल्ड होता, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, तो ये जो चिल्ड्रन है दिस इज प्लूरल वर्ड, तो इसके साथ आएगा आर। तो बच्चों ये थे लेसन नंबर 5 ट्रैफिक से कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये समझ आ गए होंगे। सभी बच्चे इस वीडियो को दोबारा देखें, इन क्वेश्चंस को याद करें, ये आपकी सेट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।